निकाल के दे। ये दिस इज फेवरेट स्ट्रीट फूड फॉर एवरीवन। आज मौसम भी अच्छा है। कैसा लग रहा है आपको? मजेदार है ना? बांग्लादेश से आए हैं? अच्छा अच्छा, कहें जी कहाँ कहाँ से आए हैं अपना घर छोड़ के, है ना? एक्सपीरियंस काफी है। कैसे लगता है यूके में आपको? बहुत अच्छा लगता है। रोता है रात को? बस जी, अपनों की मोहब्बत तो नहीं ना मिलती, परदेश च अपने नहीं लभदे, बाकी सब कुछ लभदा जे। चिकन और आलू पालक और मिक्स वेजिटेबल बिरयानी, आप आए तो इधर जरूर ट्राई करें। और ये है तंदूरी रोटी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अपने YouTube के जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबका बहुत थैंक यू और बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और इतने थोड़े टाइम में हमने माशाल्लाह से 400 के फॉलोअर्स जो हैं वो हमारे हुए हैं। और बहुत प्यार देते हैं आप सब वीडियोस में, बहुत प्यार देते हैं आप सब कमेंट्स में, और बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, जिससे मेरा दिल करता है कि मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाऊं और भी अच्छे से अच्छा जो है हम काम करें। इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया मेरी वीडियोस को, इतना प्यार दिया। जो मैं माँ के हवाले से बातें करती थी, जो मैं माँ के हवाले से चीज़ें कहती थी, वो शायद आप सबके दिल की आवाज़ थी कि कार मानल, शौक मानल, चा सारे मानल। माँ जो जाती है तो सोचा दे वेड़े भी वैरान कर जाती है, तुहाडी सोच किसे पासे जाती नहीं। तुसी खुशी दी भी खबर होए तो किनू दसो? खुशी च हुंदा ना सब तो पहले अपनी माँ नूं फोन करीदा, अपनी माँ नूं दसीदा, और अपनी माँ नूं ही हर गल जिहड़ी है ना दस के ही खुशी तुहाडी खुशी बनदी। लेकिन जदों माँ नहीं हुंदी तां खुशियां भी अधूरियां ही रह जांदियां ने। अम्मी भी कदी कहंदे हुंदे सन कि खुशियां उंज खुशियां तरह महसूस ही नहीं हुंदियां जदों अपनियां मावां टुर जा। तो उस दुख च उस गम च मैं बनाया से टिकटॉक, और टिकटॉक ते आके मैं अपनी फीलिंग जो मैं फील करती सा, जो मैं कहती सा, वह मैं कहती हूँ सा, मैं कहती हूँ सा कि हाँ माँ तो बगैर बंदा मुक जाता है। लेकिन अल्लाह ने हर दुख का मदावा किया हों, औलाद दी होंगी, अगे बच्चे दते होंगे ने, कार दिता हों, बंदा किसी हद तक अपनी फैमिली फिर खुब के तो अपनी रूटीन च वापस आ जाता है। लेकिन फिर खास मौके पर जिंदगी दे तुसी उन्हां रिश्तियां नूं याद कर दिओ, उन्हां चीज़ां नूं याद कर दिओ, स्पैशली जदों तुहाडे बच्चियां दीआं शादियां होण। कि तुहाडे माँ बाप तो ज़्यादा किसी नूं चाह नहीं हुंदा उन्हां वक्तां दा, जिस तरह अम्मी कहिंदे हुंदे सन कि मैं तुहाडीआं धीआं नूं वोटियां बड़ियां वेखां, मैनूं उस चीज़ दा उस वक्त दा इंतज़ार है। लेकिन अल्लाह ने मोहलत ही नहीं दित्ती, तो बस फिर क्या करें, है हसना पैंदा, जिंदगी नू जीना पैंदा। दुनिया भावे लख कवे कि इन्हां नू तो कोई फिक्र ही नहीं, इन्हां नू तो कुछ महसूस ही नहीं हुंदा, तो अपनी दुनिया च मगन ने। लेकिन जिहड़े बंदा बहुत मगन होए ना, वह अपने अंदर दी जंग कोलों थक गया हुंदा। वह कहिंदा जा हुण मैं दिल दी भी नहीं सुनदा, तू ही लगा रह। इसी दुख में जो है ना, इसी गम को छुपाने के लिए मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया था। लेकिन सोशल मीडिया पे भी आके बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा, लोग किस तरह से एक दूसरे से नफरत करते हैं, लोग किस तरह से दूसरे को नीचे गिराते हैं, लोग किस तरह आपका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं।
पर इज्जत देने वाली खुदा की जात है। मेरे नाल तुहाडे वर्गे प्यारे भैन भरा जुड़े ने, ते मैं इस तरह ही मेहनत करती रहांगी, काम करती रहांगी, तुहाडे वास्ते अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लैके आती रहांगी इंशाल्लाह। देखो केक ले आई हाँ, मैं क्या केक कटांगे अज जबरदस्त सा। हम थैंक यू करेंगे अपने सारे क्या कहते हैं व्यूअर्स का। वालेकुम अस्सलाम। ठहरो मैं वेखा इहदी आवाज, तुहाडी आवाज थोड़ी है, नहीं ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਕੈਸੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਮਸ਼ਾ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਖੜਾਕ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਖੜਾਕ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੋਣੇ ਆਣਗੇ। ਜੀ ਕੇਕ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ 400K ਔਰ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ 900K ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब फैमिली एंड इंस्टाग्राम दी फैमिली, टिकटॉक दी फैमिली, के ऐ मैं कल्ली तो नहीं कर सकती ना, ऐ सारा तुसी कीता है, ते थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ। फोर हंड्रेड के तो हमने सेलिब्रेट किया और उसके लिए आज हम कहाँ जा रहे हैं आपको आगे चल के बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम जा रहे हैं बाहर साउथ हॉल, बेटी ने कुछ शॉपिंग करनी है और मैंने कहा चलो चलते हैं और वहाँ से जाके देखते हैं कुछ चीज़ें। तो बस जी, आज सुबह का दिन था, बड़ा ही बिजी मसरूफ, काम कर करके हड्डियाँ टूट गई। मैं अभी तैयार हो गई, फिर मैंने कहा चले तैयार होती हूँ अच्छा सा और निकलते हैं हम बाहर, अपने दिन को हम करेंगे अच्छा। और इनू फर्क ही बीमारी पै जाती जे स्टैंड नू है थले ही जाई जाता। तो चलें जी, आपको साथ होल चल के मिलते हैं। बेटी ने अपने हिसाब से देखनी है हम, मैं इतनी ना सारी शॉपिंग उदी करी जा, मैं कहा चलो तुम देख लो। तो बारिश भी लगता होने वाली है, आए हाय हाय। तो चलें जी चलते हैं, ये रख लो पीछे या नहीं पीछे रख लो, चलें जी चलते हैं गाड़ी में। वो क्या कर रहा है? यानी ने आना है साउथ हॉल? नहीं, मुझे ड्रॉप करके आ जाएंगे, फिर हम लोग बाद में आएंगे। और आज मौसम भी अच्छा है, मुझे लगता है बारिश होगी थोड़ी, आपको बाहर से दिखाती हूँ। रस्ते में जी बहुत बारिश होने लग पई, मैं क्या बेड़ा तरजे, मैं तो कोट भी दूसरा ही पाया है, रेन कोट नहीं पा के आई, तो जे इन्नी बारिश होएगी तो फिर तो बुरा ही हशर हो जाना है। तो जी असी पहुँचे इतने साउथ हॉल, मैं क्या चलो 400K भी सैलीब्रेट करिए। उंज तो मैं कभी वैसे इन्ना किया कोई नहीं, हमेशा मेरे फॉलोवर्स वो तो कितने ही उत्ते चले जाते होंगे ने, टाइम ही नहीं मिलता हूँ, फिर मैं कहनी हूँ चलो उंज ही थैंक यू कर दें। पर इन्हों का रेस्टोरेंट जोड़ा नवा रेनोवेट होया सी और काफ़ी जी अच्छा इतने का डेकोर उन्होंने किया, छत पर बहुत सोहनिया तितलियां वाली लाइटा लगिया सन और प्लेटर्स रेडी हो रहे सन लोगों वास्ते, टेबल बड़े शानदार, चेयरस बड़िया कंफर्टेबल सन। तो यह इन्हों का ना किचन का अक्सर इतने का जोड़ा स्टाफ है ना, मैं आके जरूर उन्होंने हाल चाल पूछनी हाँ, क्योंकि मैं लगता है कि ए वो लोग ने यह भी साढ़े वर्ग ही ने, असी अपने आप को बहुत समझ लें जी असी बाहर रहने, तो इतने सब इंसान बराबर ने जोड़ा भी मेहनत करता है। तो यह जोड़े नान बनाते पे सन बंगलादेश तो आए सन और आ जड़े नाल सन भाई, वो दस रहे सन कि रोज़ राती रो के सौंदा है कि इन्ना अपनी फैमिली नू मिस करता है। तो किन्नियां मजबूरियां होंदियां ने ना, किन्नियां जिम्मेदारियां होंदियां ने जिहड़ियां छड्ड के लोग विचारे इत्थे आए होंदे ने, जिहड़ा भी पाकिस्तान तो आया होंदा है, ये खुशकिस्मती है कि एजुकेशन तुहाडे कोल होए, तुहानू अच्छी जॉब मिल जाए, नहीं तो जिहड़ा मेहनत करन वाला बंदा है ना वह तो बहुत ही दिन रात मेहनत करके, पर मैं तुहानू दसा वह उत्थे पहुँच जाता है जिथे कोई बड़ा ही एजुकेटेड बंदा पहुँचया हो अपनी मेहनत के सिर पर।
ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਾਨ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸੇ, ਕੋਟ ਉਤਾਰੂੰਗੀ ਅਭੀ। यहाँ पे जी आ गया मेन्यू। बेटी ने अपनी फ्रेंड को मिलना था तो वो उधर कहती थोड़ी देर मिल के आती, मैं कहा चलो तब तक जो है मैं खाना ऑर्डर कर दे। तो उन्होंने बीच में से कुछ वेजिटेरियन ऑर्डर करना था और कुछ दूसरा करना था। हाँ, बस ये होर जी। तुसी मैं पूछते हो कि शादी कब है, बेटी की बताएं, तो शादी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद है, लेकिन टाइम उस तरह चीज़ों का फिर मिलता कोई नहीं। तो असी क्या चलो आज जाइए, थोड़ी ज्वेलरी वगैरह जो है वो भी देख लें, थोड़ी कुछ उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखनी थी। तो मैं क्या चलो मैं चीज़ें इतना इतने ऑर्डर कर दें तो उन्नी देर तक आ जाएगी, क्योंकि फिर वेट करना पैंदा है। तो गोलगप्पे ऑर्डर किए हमने, स्टार्टर में चॉप्स, लैम चॉप्स इनकी बड़ी ही ज़बरदस्त है, और मलाई चिकन बोटी वो हमने ऑर्डर की, ते नाल जड़ी ये चाट ऑर्डर की सी, और ये साथ अभी ड्रिंक ये लाइम मोहितो है, बड़ा ही ज़बरदस्त। तो ये मैंने अपने लिए जो है ना वो ऑर्डर किया था। तो बस जी, बस बेटी अभी पहुँचने वाली थी, फ्रेंड को लेके उसने आना था, तो कुछ वेजिटेरियन चीज़ें, समोसे, चाट और पानी पूरी वो उनके लिए हमने ऑर्डर की। पर मैं क्या गरम गरम है कित, मैं तो अपना थोड़ा जहा स्टार्ट करा ना, ठंडा ही ना हो जाए। तो जी हाँ, शादी रमज़ान के बाद है इंशाल्लाह, फौरन बाद। तो बड़ा ही क्विक क्विक हो जाना है काम मेरे वास्ते सारा कुछ। यहाँ पे आ गई थी बेटी बस, तो उसने फिर स्टार्ट किया, तो बड़ा ही उन्हें चंगा लगता शुरू तो, कि मेरे नाल ना किधरे बाहर जाए, मैं उन्होंने बाहर लैके जावा। तो अज तो बस बहाना ही सी, असी शॉपिंग भी करनी सी। I'll show you how you eat. You put fill with water and बेटी मेरी बड़ी खुश सी कि मामा आज उसके साथ आई हैं, हस्बैंड मेरे चले गए बेटों को लेके। वो इतने प्लेन बड़े शौक नाल वेखते हैं, एयरपोर्ट कोल है ना, तो वो उत्थे चले गए। तो बेटी मेरी आई थी मेरे साथ, तो कहती मामा कितना नाइस रेस्टोरेंट लग रहा है ना, इंज लगता कि बस तितलियाँ उड़दियाँ पईयां ने किधरे, टेबल जड़े ने उन्हां चों भी लाइट रिफ्लैक्ट हो रही थी और बड़ा ही ज़बरदस्त थी। तो मैं क्या चलो फिर हुण मेन कोर्स जड़ा है वह असी कर लईए ऑर्डर, और मैनू ना ऑर्डर करना बड़ा ही औखा लगता जे, मेरे वास्ते तो कोई कर दे ना चूज़, तो बस सही है। अज तो फिर मैं अपने वास्ते भी ऑर्डर करना सी, तो जोड़े मेहमान सन उन्हां वास्ते भी ऑर्डर करना, तो मैनू तो पै मुसीबत गई कि चूज़ करिए। तो बहरहाल असी कुछ वेजिटेरियन डिशेस जड़िया ने वो ऑर्डर कीतियाँ, और कुछ हमने मीट वाली जो है वो ऑर्डर की। तो खाना तो वैसे इन्हों का बड़ा ही मज़ेदार होंदा है, तो साग आलू कीता सी ऑर्डर, और मुगलई चिकन, पालक गोश्त, पनीर शाही पनीर बहुत मज़ेदार सी, वेजिटेबल बिरयानी थी, और साथ हमने फिश जो है वो ऑर्डर की। वेजिटेबल वन, दिस इज साग आलू, साग आलू, या दिस वन, गिव इट टू मी, जस्ट अ लिटिल बिट, थैंक यू, एंड देन यू कैन ट्राई, देयर इज अ पनीर, शाही पनीर, डू यू टेक मिल्क प्रोडक्ट्स, या या दिस इज द पनीर। मौसम बड़ा अच्छा हो गया, और मैं कहनी हाँ कि मामा नूं ना बड़ा ही मेरी, जो तो मेरी शादी होनी सी ना, तो मेरी अम्मी तो मेरी तैयारी नहीं सन करते हैं, उन्होंने लगता सी कि कित कोई मसला ही ना निकल आए एंड टाइम तक, जरा ना बई वो बड़े आराम आराम नाल चीज़ा करते सन। मामा कितने इतबार कर दियां ने कि लोग चंगे ने, हैं उन्होंने लगता कि कुछ ना कुछ निकल ही आना इन्हें, लेकिन अल्लाह तियां दियां किस्मत चंगियां करे। और आ वेखो जी, मैं तो इतने बड़ा खाना इंजॉय कर दी पई, सजे फिश भी बड़ी ज़बरदस्त। चले जी हम चलते हैं, अब खाना खा लिया, बहुत नाइस था, बड़ा इंजॉय किया।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਕੋ, ਔਰ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਹਮਨੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਔਰ ਦੇਖੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਮਾਮਾ ਇਤਨੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡ ਜੂਲਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 500 ਪਾਉਂਡ ਸੀ, 500। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋ 500 ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੀ ਬਸ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਮਨੇ ਦੇਖੀ ਚੀਜ਼ੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਕਾਂਟੇ ਹੈ ਡੰਡੀ ਝੁਮਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ। ਤੋ ਬਸ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੀ ਖਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਸਵੀਟ ਕੋਰਨ ਜੋ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣੇ ਨੇ। This is favorite street food for everyone. Can I have a tissue please? Because mera munh ganda ho gaya tha. Thank you. This is what we had in the restaurant. Huh? You always say you're funny. It's hard to eat, yeah. I know, isn't that sweet? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੁੱਛ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਗੋਲ ਗੱਪੋ ਚ। Look guys, this is like amazing. Oh, I'm out of breath. ਬਹੁਤ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਸਾਥ ਥੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਥੀ। ਉੱਪਰ ਕਾ ਵਿਊ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਊ 'ਚ ਫਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਫਸੇ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਹਮ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਅਬ ਘਰ।